हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त और होस्ट वर्जिल एके प्रतीक फ्रॉम वर्जिल वर्ल्ड। और आज आप देख रहे हो, आज हम खेलेंगे द मास्टरपीस, जिसके लिए मैंने ये PS4 बेसिकली लिया है, अपना पावरफुल PC द गॉड ऑफ वॉर। एक्चुअली इसके पीछे कहानी है, मैंने PS2 में 1 और 2 खेला था। मैंने PSP वर्जन खेले थे, बहुत PSP वर्जन खेले थे, 1 और 2 भी खेला था। तो मेरा बहुत मन था इस स्टोरी को कंप्लीट करने का, स्पेशली फॉर द क्रेटोस, क्योंकि क्रेटोस मेरा मेन पार्ट है। आई नो दैट मैंने वर्जिल का नाम रखा हुआ है, बट मेरा मेन करेक्टर क्रेटोस ही है, क्योंकि वर्जिल एंटागनिस्ट है और क्रेटोस प्रोटैगनिस्ट है। दैट्स व्हाई, सो कंफ्यूज मत होना, मतलब हीरो और विलन। जापान में एंटागनिस्ट एंड प्रोटैगनिस्ट का नाम दिया जाता है हीरो विलन को, जो गेमिंग करेक्टर होते हैं। बता देता हूँ आपको, ये रहा द गॉड ऑफ वॉर। अगर गेम का नाम देखा जाए तो यह है गेम डेस्क, ये आप देख रहे हो, उसमें लिखा हुआ है इन द एंड देयर बी ओनली विल केओस। सो लेट्स स्टार्ट इट, द गॉड ऑफ वॉर 3। शिट यार, अपडेट मांग रहा है, नहीं चाहिए अपडेट। ओके, फाइल अपडेटेड है, ऑसम। सोनी इंटरटेनमेंट प्रेजेंट सैंटा मोनिका स्टूडियो। भाई जब सैंटा मोनिका स्टूडियो का नाम आता है ना, मेरे गूज़बम्स स्टार्ट हो जाते हैं कि सैंटा मोनिका स्टूडियो करने का वाला है। कंटिन्यू द मेजर ऑफ मैन, इसका फील। Before the age of the twilight set upon the gods, a legend rose to claim his place among them. And even though Kratos sat on the throne, Where is the Kratos? He is the one. ये बाबिलियन किंग जिसे मार दिया है, तो उसमें सब दिखा जाएगा कौन टपका था, किस किस से क्या हुआ था। ये जब वो सीन आया था, ये फर्स्ट पार्ट में जिसने खेला उन्हें पता होगा, ये असैसिन का सीन है बेसिकली देखा जाए तो। ये टपका दिया, अरे नहीं, वो फर्स्ट का सीन था जब से चेन मिलती है फर्स्ट टाइम, जब से क्रेटोस ब्लेड मिलते हैं। ये पहली बार जब उसने वाइफ को और अपनी डॉटर को मारा था, ये वो सीन है। उसके बाद से इसे ये एशेज मिली थी जिससे ये वाइट बन गया था। और अब नए गॉड ऑफ वॉर में तुम देखोगे तो वो धीरे धीरे ब्लू हो गई हैं, इसके वाइट एशेज हट गए हैं, मतलब इसका कर्ज हट गया है। देखा जाए तो अथीना, एरीज, ये हमारे क्रोनोस अंकल जी, इसके दादाजी, देखा जाए तो ये पंडरा बॉक्स खोला था फर्स्ट टाइम, एरिस को मार दिया था, ये वो सिग्नेचर एरिस को मार दिया था फर्स्ट टाइम, अ मॉर्टल डिफीटिंग अ गॉड इन द हिस्ट्री ऑफ गॉड ऑफ वॉर। सो गाइस, लेट्स डू दिस, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट दिस गाइस, सपोर्ट एंड लेट्स डू दिस जर्नी एंड फील इट अगेन। गॉड ऑफ वॉर 3 एक्सक्लूसिव ऑन द वर्जिल वॉर। Let's start it. Very barren. ये वो जो सीन था पार्ट टू का सीन, जब जूस ने सिटी को जला दिया था, ये वो हमारा क्या नाम था इसका, ओलंपस, ओलंपस का जो पुतला था पार्ट टू में, ये स्टार्टिंग में जूस ने जब मारा था इसे, ये गॉड ऑफ वॉर 2 का सीन है। गाया द टाइटन, द मेन टाइटन गाया, जंगल का नाम भूल रहा हूँ, टाटका सर क्या नाम है वो जंगल है, ये यहाँ पे अथीना मर गई जब अथीना का डिनेट हुआ था। अथीना की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पता नहीं याद है या नहीं पता लोगों को। अथीना का सुना है, अथीना का जो बॉन्ड हुआ है कोई बड़े अजीब तरीके से हुआ है,
ज़ूस ने इसकी माँ को पी लिया था गुस्से में आके, जो मैंने पढ़ा पता नहीं है नहीं, मुझे कमेंट बताना। ज़ूस ने इसकी माँ को गुस्से में पी लिया था, तो जब उसने वो पी लिया था तो उसके दिमाग में वो होती है बड़ी तेज से पेन होता है, तो जब उसका दिमाग खुला जाता है चेक करते हैं तो उसमें एक लड़की होती है और वो ये निकलती है। ये मैंने पढ़ा है माइथोलॉजी में, ये पता नहीं रियल है या नहीं, आई डोंट नो। तो मैंने ऑलरेडी गाइस गेम को पार किया हुआ है, कॉस्ट्यूम देख सकते हो, मुझे कॉस्ट्यूम मिले हुए हैं। ओके हट गया कॉस्ट्यूम, अरे ये सब कुछ दोबारा से आ गया, अब मुझे दोबारा पढ़ सुनना पड़ेगा। Let's do this. Chal. My vengeance ends now. My brothers, we were forged in victory. A victory that ended the Great War and brought forth the reign of Mount Olympus. Born from the depths of the underworld, rooted in the river of souls, our mountain emerged out of the chaos. As it grew, so too did the might of the Olympians. He created a world of peace, a world of prosperity, a world that lives in the shadow and safety of my mountain. A mountain that has come to be the absolute measure of strength and power. Fuck. Yeah, dekho Olympus hai kahan pe. Now, on this day, that power is to be tested. The mortal Kratos seeks to destroy all badal the power. बादलों को पार करके दिखाया है ओलंपस, बेसिकली दिखाया आसमान में। Put aside the petty grievances that have splintered us for so long. ये टाइटन तो किसके लावा, किसी के अंदर लावा पावर है, किसी के अंदर में कोई पावर है, हर किसी के अंदर में कुछ पावर है, कुछ ना कुछ पावर है। ये है मेन गाया ओलंपस इज द मदर ऑफ द अर्थ द गाया। And the mother of the titan. ये हमारे टाइटन के बच्चे खड़े हैं, ये तो टाइटन से पंगा लेते हैं, जिन्हें टाइटन को मारा था। ये हीलियोस जिसने चेन ऑफ ओलंपस खेला होगा उसे पता होगा इसके बारे में। चेन ऑफ ओलंपस में इसको बचाना होता है हमें, हीलियोस को, क्योंकि फील्ड मिलती है हीलियोस की। यार रहना दिमाग खराब कर रहा है बहुत ज़्यादा, सॉरी यार बार बार बीच में ब्रेक हो रहा है। अगली सब रेडी हो गए, और ये लगा थप्पड़। फक लास्ट स्टार्ट है, ज़ूस योर सन हैज रिटर्न, आई ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओलंपस। Oh yeah. The Titans will fail again. हाँ इसे मार देगा वो पोसाइडन, उसकी पावर ले लेगा। ग्रीक माइथोलॉजी में सबसे ज्यादा पावरफुल इन सब भाइयों में ये था पोसाइडन बोला जाता है, पक्का नहीं पता क्योंकि माइथोलॉजी है। और सबसे बड़ा हेडीज था और सबसे शांत था वो, जबकि गेम में दिखाया था कि सबसे बड़ा हरामी हेडीज था।
फिल्मों में दिखाया कि हेडिस कितना बड़ा आरामी था, जूस कितना वो था, जबकि उल्टा है रियलिटी में। सबसे बड़ा आरामी जूस था और हेडिस सबसे शांत और सबसे बड़ा फैन था। उसे गलती से पाताल दे देते हैं, पाताल में भेज देते हैं, गाया को पकड़ लिया। तो गाइस गाया को स्ट्रक कर दिया गया, पोसाइडन ने सब पकड़ लिया, वो देख रहे हो जाना पड़ेगा। चलो गिरा गए। ओ ये coming there, ये पहला गेम है जो दो जोशी का तुम्हें यूज करना पड़ेगा वेट करने के लिए। हाँ ये जरा तो टाइटम इलेक्ट्रिक, इतने इलेक्ट्रिक पावर। अब ये खड़े, अरे हाँ इससे पहले ये भी तो है, तो कभी कभी चूक गया निकाना मैं था। उसका बोया है इमेजिनरी दी एंड, टूटना जल्दी इसके हाथ के बीच से फाड़ा ये करना है। Here we go. Fuck. Come on, get his blanket. ये चीज़ बहुत बड़ी अच्छी लगी मुझे इस गेम की एंड स्टार्टिंग जहाँ से होगी, इस गेम की एंडिंग वहीं होगी गाया के हार्ट में। तो अब देखना गया क्या होता है, ऐसे तो आप लोगों ने ऑलरेडी खेल रखा होगा। चलो खोलना चाहिए क्या कर रहा है क्या पावर, देखो वन हैंड अपग्रेड हो गया ना ले सेव I stand to the one hand power. Chal aram se. So jaldi nahi get us. Hold it guy, hold it. I'm on my way. Just stay a little longer. Toka dadi ji aa raha hu main.
மாடல கிடைக்கணும் மாறணும் மாடு நான் பார்க்க முடியும் தமான் வேலை வர तुम कूद नहीं सकते कर रहा मेरे भाई तुम गुस्सा कर रहा कमाल तू जरा लेके जाऊंगा यहां जाना देख लिया ये इसने पावर दी क्या ग्रीन पावर है कौन सी पावर है ए ग्रीन पावर है वो तो खत्म हो गया तो ओके इधर जाओ बुक पढ़नी है द चेन ऑफ बैलेंस अच्छा इधर वो स्टैंड अब तो होली एक्टिवेट और है आ सालो तुम्हारी माँ बहने पड़ पाऊंगी करने जाएगा तो ये सीधा से इधर जाएगा यहाँ पर ये सही रहा था और गोडोबा के अकॉर्डिंग ये थोड़ा फास्ट आता है तो इसको मतलब या तो गंदी इन्हें ख़त्म करना था इन्होंने फिर बनाया ऐसा था कि कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाए ये पहले गोडोबा में इतने फास्ट फास्ट नहीं बन सकते हैं हार्ट में छेद कर दिया नहीं हार्ट के पास से निकला है अरे हाँ इसका हार्ट भी तो यहाँ नहीं है इसका हार्ट जगह निकलना है इनका हार्ट भी अजी जगह होता है ये गाया है ना बच्चे के डॉक्टर कुछ होगा मतलब गर्मी से मैं भूख नहीं करता गाइस 5 मिनट ग्रेन करो 2 मिनट के लिए वेट करो
सॉरी गाइस, थोड़ा फ्रेंड का फ़ोन आया था, कुछ इंपॉर्टेंट काम था एक्चुअली, उसे कंप्यूटर दिलवा रहा हूँ तो कुछ सर्च कर रहे थे ज़रा, सेकंड हैंड उसे कंप्यूटर चाहिए तो बहुत माथा पच्ची करनी पड़ रही है, आपको पता ही है कितना प्राइस चल रहा है कंप्यूटर का भी, उसका कुछ काम है उसके लिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे ये हैं हाफ मैन चेस्ट, शिट यार क्या कर रहा हूँ मैं, फक फक आजा चलो आजा, शिट क्या कर रहा हूँ यार जल्दी बाजू में, फक फक क्या फाड़ा है मुझे, ऐसे ही मेरा मत लगा था, पागल हो जाते हैं सारे, तो दे 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 दे। पापा से पंगा लेंगे, अरे तुम्हारे पापा पंगा नहीं लगाए थे गाइस, ये अगर तुम्हें सीन याद होगा, ये लीवर, ये लीवर क्या होगा, ये पूरा बता रहे हैं ये लीवर क्या करेगा, ये लीवर तो देख रहे नीचे कौन है, देख रहे होगा तुम्हें एरीज जो टपकाया था, तो ये एरीज का चैम्बर है, देख लिया यहाँ पढ़ना था, पढ़ भी लो, लाइ रिमेंस ऑफ द एरीज द फॉलन गॉड ऑफ वॉर, तो ये भाई साहब जी ने याद रख लिया था ठाकुर, मित्र का बेटा था ना, अच्छा वो तो मैं भी, पर मैं हरामी हूँ थोड़ा सा, जल्दी जल्दी काटना वाला ये हट जाएगा, हड्डी का लगा हुआ है, इस गेम में इतना जल्दी मार दिया उसे, क्या कहते हैं पोसाइडन को, मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मतलब जल्दी क्या था जो पसंद को जल्दी टपका दिया, थोड़ा इमरजेंसी है, मैं अभी आया 15 मिनट लगेंगे, तब तक आप थोड़ा वेट करो, एंजॉय करो,
ओके गाइस सॉरी फॉर द डिले, आपको वेट कराया और आप देख रहे हो अभी इसलिए मैंने पॉलिथीन पहना हुआ है पॉली में, एक्चुअली मैंने मेहंदी लगाया बाल में अपने जो हेयर है कलर की दैट्स व्हाई सो इग्नोर इट। और हम कैसा लग रहा होगा उसकी माँ के लिए थोड़ा सुधर रहा है गया मेरा ठीक 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 ओके मार देना यार की माँ का कर दिया गाइस गाइस तो चलते हैं चलो छेद कर दिया
ये देख रहा शटरिंग, ये मुझे बड़ी गंदी लगती है। एक्चुअली क्या है ना, ये रीमेक में कोई दिक्कत है, जो रीमेक डिज़ाइन किया था यहाँ पे जो है ना ग्राफिक्स, ये शटर कर गए हैं। इसे ग्राफिक्स ऐसे नहीं होते हैं कि कभी कभी ठीक आते हैं कभी कभी बेकार आते हैं, पता नहीं क्यों। कभी कभी जब खेलता हूँ एकदम बढ़िया आते हैं। ये पहले ही यहां मरना जरूर था, पता नहीं क्यों। ये गाया का हार्ट है, द हार्ट ऑफ गाया। थोड़ी घंटा का ज्यादा बोल रहा हूं तो ये गाया का हार्ट अभी प्रोटेक्टेड है, ये बाद में टूटेगा, अभी नहीं बाद में टूटेगा। तुम्हें कुछ जाना है तो यहाँ लगाना है, कुछ देर का पीछे क्या सकता हूँ सबसे सबसे करना भी ओके। एक स्पेशल चीज से टूटेगा वो चीज क्या होगा, अरे यार क्या कर रहा मैं, यहाँ से जाते हुए जंप मारनी है वहाँ। ओके सॉरी गाइस फॉर दिस इनकन्वीनियंस फॉर ऑफ द इंटरनेट, थोड़ा इंटरनेट भी दिमाग खराब कर रहा है। ओके लेकिन मैंने गलती कर दी, शायद मैं छोड़ दूँ तो मुझे लेनी है। फिर जू स्पीकर कलेक्ट कर लिया, इतना मस्त लगता था। अब हमें पूरा रोटेट नहीं करना था, यहाँ कुछ है तो कुदा दिया खड़े ने यार, क्यों टाइम दे रहा है। अरे इसकी पूंछ, इसकी मुझे भी ठंड ज्यादा लग रही है। सॉरी गाइस ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत दिक्कत हो रही है हाथों में, हाथ एकदम फ्रीज हो रहे हैं ठंडे पानी में हाथ दे रहा हूँ इसलिए। हमने छोड़ दिया, अब मजा चल रहा है बताओ। इतनी बेसिक मेरी आदत नहीं हुई इस गेम में। फाइनली खुश हो गया आप लोग, हाँ
muerte, sí, no. Ya te he atado. ¡Au! ¡Au, chaval! ¡Au! ¿Qué es eso? ¿Te matado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué A god of Olympus? A true warrior does not hide, Poseidon! Leave the sea and face me! You have disrespected the gods for the last time, Kratos! I will leave nothing of you in my wake! आज यार पसाद आज लग गया पसाद मुझे आज जो है ना लग गया मुझे पसाद पड़ेगा।
भाई है। और ये पड़ा द टाइटन पंच, दिस इज कॉल्ड द टाइटन पंच। अरे हमारे पोसाइडन भाई साहब निकल गए अपने कवच से बाहर, हट नहीं पहन की। अभी समुंदर मरा नहीं है, अभी गाइस खाली हो गया, खाली कवच टूटा, जो टाइटन पावर थी वो खत्म हो गई पोसाइडन की। अब मरेगा। Let's do this. Zeus should have kept you where you belong. No matter how many gods fall, there will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. They are like this bad boy, the angry young man. Poseidon, your time is come. Fuck! You. Okay. Fuck! What's up, man? Okay, let's go down. Kill it. What's up, man? Not. Norman! ये मारा ना, बिल्कुल जो सब करेक्टर्स ने मेरी सीन दिखाया बिल्कुल सेम वही दिखाया, फिर इतना गुस्से में भरा पड़ा है कि छोड़ेगा नहीं, ये बचने की कोशिश कर रहा था पर बचेगा नहीं। छोड़ो साले, क्या खाता। And here the Poseidon. And here comes the Poseidon. मिल गया भाई सब पानी। And here's the king of the water. God of the water, not the king, the god. Finish. Poseidon मर गया, पानी डूब गया, मतलब पानी का बैलेंस खत्म हो गया कंट्रोल। अब सारा वॉइस खत्म हो जाएगा, सब पानी में डूब जाएंगे, बस पहाड़ों को छोड़ दे। घंटा रीच में चलने आने वाला लोग, ये देख रहे हो नाखून कितना बड़ा है, काम तो हैंड कर दिया, उंगली पर रखा हुआ है, लेकिन नाखून कितना बड़ा है, चला चीटी से लग रहा है। एरिस को टपका दिया, पोस्टर खत्म कर दिया, डेस्टिनेटिक गाइस एंजॉय करो, आगे जीत चुका है। Can no longer hide behind the skirts of Athena. Athena is dead because of the rage that consumed you, Kratos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! Excellent, child! I will tolerate your insolence no more! Okay. Zeus पागल हो गया है। And here comes the thunder. ये मारने की कोशिश करेगी पर मार नहीं पाएगी। Fuck! गाया का हाथ तोड़ दिया है। Gaia, I can hold on no longer. If I help you, we will both fall. Even now, Zeus gains. The destruction of Zeus
is why you saved me from death! I saved you all to serve the Titans! Do not deny me my revenge! Listen carefully, Kratos. You were a simple pawn, nothing more. Zeus is no longer your concern. This is our war, not yours! Gaia! Gaia betrayed Zeus. This is another betrayal. For the need of the Zeus of the hand. This betrayal is very big for Gaia. I have lived as a warrior. I have died as a god. Having suffered the ultimate sacrifice. Yes, I know. I have been denied release. I will defeat Olympus. I will have my revenge. काश ये गेम ना गॉड वॉर PS3 की जगह इस टाइम पे आया होता, बहुत ज़्यादा बेहतर। लिटरली बता रहा हूँ, ये स्टोरी ना बिल्कुल एकदम रियल स्टोरी लगती है जो होनी चाहिए। तो जूस के बाद जैसे अगर हमारे ना ये वो है ऐसे गॉडली पार खत्म, तो वो सीन दिखाया है। एक बार हमने बेसिक मोड पा जाएगा जैसे था। मुझे पावर भी खत्म और अभी मिल जाएंगे। हाँ इसकी और कुछ सुनेगा ना, ये एक ही और सुनेगी क्या क्या सुनेगा सर? हाँ रेड पावर भी खत्म सुनेगा जी। हम दिखाएंगे एकदम मजा भरा जो हर बार दिखाया जाता है। विदाउट गॉडली पावर यूज कैसा था? द राम ऑफ हेडी, द राम ऑफ हेडी। तो ये हेडी स्टैंड आ गया मुझे। We are not finished, Zeus. The gates of Hades have never held me. Death cannot hold those you've purposed, Kratos. Athena. I have missed you, Spartan. I don't. My sacrifice to save Zeus has brought me to a higher existence. You still appear to be an Olympian. Appearances can be deceiving, Kratos. So can the children of Olympus. Perhaps. But remember, my death came by your blade. My blade was meant for Zeus. Be quick with your words. As we speak, the war for Olympus rages on, and mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that matters. Zeus will not fall as easily as Ares. To destroy the king of the gods, you must seek the source of his strength. The flame of Olympus. You once sacrificed yourself to save Zeus, and now you seek to destroy him? What has brought about this change? I see truth where I did not before. Perhaps these will earn back your trust. These are the Blades of Exile. They will help guide you on your journey to the flame. The Blade of Exile! Upgrade kar diye hain. Blue power return kar di. Remember, as long as Zeus reigns, there is no hope for mankind. Destroy the flame, Kratos, and the very foundations of Olympus will crumble. Dhaka ka chale jayega. ब्लू पावर नहीं था जीने की, यह है न्यू पावर।
ये देख लो हेडीज को बिल्कुल, ये हेडीज, ये साइड के अंदर ये एक रास्ता है, ये यहाँ पर कुछ लाइट्स वगैरह रखी हैं, फायर्स हैं, ये हेडीज का चैम्बर, ये एक रास्ता है, रास्ते ही रास्ते हैं जगह great journey that's almost underground where none can turn back okay to check the other chala jaye chalo guys aaj ke liye itna hi next time khali jayenge till then fir se milte hain bye bye sayonara jai shri ram और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो गाइस। दिस टाइम द ज़ूस वांट्स द क्रिएटर्स वांट्स यू।